देश के शिक्षण परिसरों में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। 9 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने ऐतिहासिक संगठनात्मक यात्रा के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। अभाविप के इस महत्वपूर्ण आगामी वर्ष के लिए इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में विद्यार्थियों व युवाओं से जुड़े विषयों को वृहद स्तर पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से करने की कार्य योजना बनाई गई। अभाविप स्थापना के 75वें वर्ष का राष्ट्रीय अधिवेशन इस वर्ष 1 से 3 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित होगा। अभी हमारी 25 से 28 मई 2023 में पुणे में जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई थी, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई और आगामी 6 वर्षों में हम क्या करने वाले हैं उस पर भी चर्चा हुई और 4 प्रस्ताव भी, जैसा कि गौरी जी ने बताया कि उसमें 4 प्रस्ताव पारित हुए। इसमें मुख्य मुद्दा एक पूरे देश भर से निकल कर आया, जिसमें छात्र संघ चुनाव को लेकर आया, क्योंकि कॉलेज ही एक ऐसी इकाई होती है जहाँ से नेतृत्व निकल कर आता है। तो छात्रों के मुद्दों को सकारात्मकता देने के लिए और छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव का मामला बहुत ढीला होता जा रहा है। और क्योंकि क्या है, यहाँ पर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेतृत्व भी निकलकर कॉलेज से नहीं आ रहा है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक महर्षि कर्वे शिक्षण संस्थान पुणे में आयोजित हुई थी, तो उसमें ही पूरे वर्ष भर की गतिविधियां और कुछ अखिल भारतीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो ब्रज प्रांत अपने निम्न स्तर पर, मतलब निम्न इकाइयाँ हैं जो उनकी ब्रज इकाई, वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। तो उसी को तहत बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको बनाने का काम, बहुत सारे 3-4 प्रस्ताव जो एनईसी में पारित हुए थे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में, उन प्रस्तावों को कैसे कॉलेज कैंपस तक ले जाना है। जैसे उसमें से एक प्रस्ताव था कि आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन, जो कॉलेज कैंपस में आज दुर्घटनाएं और ये आत्महत्या जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, तो आनंदमयी और छात्र जीवन कैसे कॉलेज कैंपस में बन सके, इसको लेके एक विचार किया गया था। दूसरा था कि प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा का जो स्तर है उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसका सुधार करो। विश्वविद्यालयों से जिस तरह से डिग्रियां के लिए लगातार छात्रों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, डिग्रियां अभी तक नहीं मिल पा रही, इसे लेकर के क्या एबीपी कभी कोई कार्य करेगा? विद्यार्थी परिषद ने, अभी आपको याद ही होगा कि पूर्व में भी एक धरना प्रदर्शन किया था हल्ला बोल करके, जिसमें डिग्रियां और कॉलेज में जो चुनाव कंटिन्यू नहीं, एग्जाम कंटिन्यू नहीं कराए जा रहे थे, उसको लेके विद्यार्थी परिषद आए दिन यूनिवर्सिटी में धरना करती रहती है। और कल भी विद्यार्थी परिषद आगरा के द्वारा 10 सूत्री ज्ञापन कुलपति महोदय को सौंपा गया, जिसमें जो आप बता रहे हैं डिग्रियां और जो अपनी डेट सीट से रिलेटेड जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी लेट हो रहे हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले के जो एग्जाम थे वो भी डिले हो रहे हैं, जैसे थर्ड ईयर के एग्जाम है, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के, वो भी डिले हो रहे हैं, तो इसको लेके भी ज्ञापन दिया गया है। क्या लगता है ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के बाद में भ्रष्टाचार या पारदर्शिता आई है? ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद पारदर्शिता तो आई है, आप खुद ही देख पा रहे हैं चीज़ों को कि जो चीज़ें मतलब पहले जो जिसमें घूसखोरी धांधली हो रही थी वो आप ऑनलाइन माध्यम से इतना भ्रष्टाचार नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आई है। देखिए, बिंदु तो हमारे इस जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कई सारे बिंदु हैं जो हमें मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराना है। उसमें अभी पूर्व में हमारे एक साथी कार्यकर्ता ने बताया आपको छात्र संघ चुनावों के बारे में किस प्रकार से वो आवश्यक हैं, लेकिन कई प्रकार के छात्र चुनाव क्यों आवश्यक हैं? देखिए, विद्यार्थी एक ऐसा वर्ग होता है जो अकेले में अपनी बात को सहजता से जो विश्वविद्यालय प्रशासन है या जो महाविद्यालय प्रशासन है उनके सम्मुख नहीं रख पाता, तो ऐसे में आवश्यकता एक ऐसे संगठन की होती है जो उसके बात को सही तरीके से और सही स्थान पर रख सके। तो इसके लिए छात्र राजनीति की आवश्यक है, क्योंकि छात्र राजनीति से ही देश में एक ऐसी राजनीति का जन्म होगा जो डेवलपमेंट की बात करेगी, जो विकास की बात करेगी। और विद्यार्थी परिषद तो शुरुआत से ही डेवलपमेंट की ही बात करता है, तो ऐसे में विद्यार्थी परिषद उन छात्र नेताओं को आगे लाना की प्रयास में रहता है जो अपने महाविद्यालय, अपने विद्यालय, अपने इंटर कॉलेजों से विकास की गंगा बहा करके अपने देश की संसद तक विकास के उस पथ को अग्रसर रख सके। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु इस बैठक में रहा था जो हमारी पुणे में हुई, उसमें आनंदमय सार्थक छात्र जीवन अभियान एक ऐसे करके हमारा अभियान है, इस अभियान के माध्यम से हम देश भर में उन विद्यार्थियों के समक्ष जाएंगे जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं,
जो संघर्ष से गुजर रहे हैं वो अपनी बातें कहीं पे भी नहीं रख सकते। तो ऐसे विद्यार्थियों के अंदर उनका मेंटल स्ट्रेस किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से उन पे जो कोर्स वर्क का लोड है वो कम किया जाए, और जो एक परिसर है वो कैसे उनके लिए फ्रेंडली बिहेव करे, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर विद्यार्थी परिषद अब वर्ष भर काम करने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको अवगत कराता हूँ। धन्यवाद।